प्रमोद कुमार बड़ौनिया के निवास पर चल रहे कार्यक्रम में शिरकत करने आज केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची। इस दौरान उनसे मंत्री पद के इस्तीफे के संबंध में बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से मना कर दिया। इस दौरान वो मीडिया से बचती नजर आई। महरौनी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ पूर्व से ही प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और श्रम सेवा योजन मंत्री मनोहर लाल एवं कृषि मंत्री उमा भारती का कार्यक्रम तय था, लेकिन कार्यक्रम में उमा भारती ही पहुंची। अपने उद्बोधन में उमा भारती ने कहा कि केन बेतवा की लॉन्चिंग का जल्द ही प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लिए इजराइल से कम पानी वाले बीज का निवेश किया जाएगा, जिससे कि बुंदेलखंड में कम पानी से अधिक मात्रा में फसल उगाई जा सके। उमा भारती ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए मंत्री जी द्वारा ललितपुर व झांसी के जिलाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि गरीब मजदूर व किसान अन्य जगह पलायन ना करें। इसके लिए जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बना करके केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के संबंध में कहा कि जल्द ही किसानों को सिंचाई हेतु पाइपलाइन एवं नहरों की सफाई करवाकर आखिरी छोर तक पानी भेजने का कार्य जल्द ही पूरा करने की कवायद चल रही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री को पत्रकारों के कड़वे सवालों का घूंट पीना पड़ा, क्योंकि पत्रकारों ने उमा भारती की बुंदेलखंड राज्य की बात करके उनकी दुखती रख पर हाथ रख दिया था। इस सवाल पर माननीय मंत्री जी ने पूरा दारोमदार शिवराज सरकार पर रख दिया। आज उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड राज्य में नहीं आना चाहते, जबकि पहले उमा जी का कहना था कि अगर दोनों राज्यों के साथ केंद्र में उनकी सरकार होगी तो बुंदेलखंड राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। बुंदेलखंड भी आपका एक सपना वो तो है, वो तो जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। मैं फिर वही बात कहूंगी जो मैंने 4 साल पहले कही थी कि आपको तय करना है कि बुंदेलखंड कितना होगा। जब तक ये तय नहीं करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग बन जाएगा, दूसरे राज्य बन जाएंगे, बुंदेलखंड फिर नहीं बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड में नहीं आना चाहते। तो खाली उत्तर प्रदेश का जितना नक्शा है क्या वो पर्याप्त है? अभी इस पर विचार ही नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस पर डिबेट ही नहीं हुई है। यही कमी है कि बुंदेलखंड बनने में अड़चन आती है, और इस कमी को मैं दूर नहीं कर सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी कमी दूर हो जाए तो बुंदेलखंड बनवाना मेरा काम है। हम सहमति बना कर सकते हैं ना? सहमति नहीं, नहीं, नहीं। पहला बोलती है मुलायम सिंह जी, हम नहीं सकते सरकार, तो सब परिवार के आपके। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे अगर हमारा हिस्सा बुंदेलखंड में मिलाने की कोशिश हुई तो। कैबिनेट मंत्री के इस बयान से एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सरकार वाकई जुमलों की सरकार है? न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महरौनी से अंशुल दुबे की रिपोर्ट।